से आगे बढ़ते हैं, इस मेहनत से वन नंबर पे आते हैं, तो ऐसी मेहनत से आप लोग ही आए, मुझे नहीं चाहिए, मैं पीछे ठीक हूँ, ठीक है? ऐसी मेहनत से मैं आगे नहीं आना चाहती, और ऐसी मेहनत आप लोग ही कर सकते हैं, ठीक है? और मैं 1.6 मिलियन तक आई हूँ, अपनी मेहनत से आई हूँ, आप लोगों से लेकर नहीं आई मैं, ठीक है? या आप लोगों का सपोर्ट लेकर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता आप लोगों को मेरा सपोर्ट जरूर चाहिए था, जिस वजह से आपने मुझे क्लैब के लिए बुलाया। आप सबने देखा है कि किस तरह मैसेज करके लड़की उसको डरा रहे हैं, कि रोमैसा को डरा रहे हैं, और डराया कि वीडियो हटा दो, तो उसने वीडियो हटा दी, कॉमेंट्स भी डिलीट कर दिए अपने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और दूसरा, अब मुझे कह रहे हैं कि मैं अकेली लड़की, चलो मैं तो ठीक है, मैं किस तरह कर रही हूँ, मुझे फेम चाहिए, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं मुझे दौलत और शोहरत चाहिए, ठीक है, वैसे लोगों को, आवाम को नज़र आ गया किसको क्या चाहिए, ठीक है। तो इन लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है जो आपके सैलून में आई थी, इनके रिव्यूज़ के बारे में क्या ख्याल? झूठ इतने ज़्यादा बोलते हो। मैं बायकॉट करती हूँ काशीज का, और मैं सबको कहूंगी कि अगर आप लोगों ने काशी से मेकअप करवाना है, काशिप का सिग्नेचर मेकअप, तो आप पहले से एक दिन पहले भी कंफर्म करें उनसे कॉल करके कि काशिप मुल्क में मौजूद है या नहीं है। और अगर वो मौजूद नहीं है तो आप काशिप जाने की गलती हरगिज ना करें, क्योंकि उनका स्टाफ काशिप की गैर मौजूदगी में इंतहाई बदतमीजी से पेश आता है। मैं सबको ये कहती हूँ, मैं वो थी जो हर जगह पे अपने वलीमे पे तैयार होने के बाद काशिश को रेकमेंड करती थी, हर एक को रेफर करती थी, और आज मैं कहती हूँ कि मैं बायकॉट करती हूँ काशिश का, काशिश की प्रोडक्ट का, उसके सैलून का, मैं दोबारा कभी उस सैलून में कदम भी नहीं रखूंगी। और मैं सबको मना करूंगी कि कोई भी वहां ना जाए, क्योंकि अगर आप वहां जाते हैं तो आपका स्पेशल इवेंट बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने हमें तैयार अच्छा कर दिया, खैर मेरी नन तो सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उनको तो काशिफ का सिग्नेचर मेकअप चाहिए था। हमने चले ब्राइडल, वो पार्टी मेकअप हमने करवाया, हम लोगों ने मॉडल मेकअप करवाया, हम अपने लुक से सेटिस्फाइड थे। बट यकीन करें, पूरे इवेंट में हम सबका मूड इतना ऑफ था, क्योंकि हमें इतनी जलालत का सामना आज करना पड़ा है। अगर आपने इतनी जलालत के साथ दूसरे का फंक्शन बर्बाद करना है, तो मेरा ख्याल है आपको चूज करने का कोई फायदा नहीं है। आपका सिर्फ नाम है, आपकी सिर्फ बिल्डिंग ऊंची है, काम आपका जो है वो, सॉरी टू से, मैं कोई गलत वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपका काम जो है वो, मतलब वो इस काबिल नहीं है। आपका बिहेवियर, आपके स्टाफ का और आपका अपना, आप इतने ज्यादा मिसकमिटमेंट आप करते हैं लोगों के साथ। शर्म आनी चाहिए काशीज को कि इतना झुटलाने के बावजूद भी सहज झूठी नहीं है, ठीक है? हर चीज़, हर सबूत आवाम के सामने है, कोई भी अंधा नहीं है, कोई भी पागल नहीं है। बजाय उस बंदे को, इस एक बंदे को आप सजा देते या उससे सॉरी कहलवाते, ठीक है, या उसको जॉब से निकालते, आपने उसको मुसलसल बुरा बनाने की कोशिश की है, उसको मुसलसल उसकी करेक्टर असैसिनेशन किया है, उसको मेंटली अब्यूज़ किया है। मतलब आप इतना कैसे गिर सकते हैं, मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही। इतने प्रोफेशनल होकर इतना चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है, कभी चाय पी रही हैं तो कभी बिरयानी खा रही हैं तो कभी डांस कर रही हैं, मतलब मुद्दे की बात पे आई ही नहीं है ना। आवाम को इधर उधर बस जो है वो उनका माइंड इधर उधर करने के लिए आपने ये बातें की हैं, ठीक है, ताकि उसके करेक्टर पर बातें की हैं, और ताकि आवाम का मेन मुद्दे से हट के उसके करेक्टर पर बात चली जाए कि वो तो है ही बुरी। अल्लाह के हुक्म से पता लग जाएगा सबको, आपको पता होगा, आपको पता है कि उस बंदे ने बदतमीजी की, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको अपना नाम क्लियर, आप अपना नाम वैसे भी क्लियर कर सकते थे कि हमें आइडिया नहीं था इस बंदे का इस तरह से, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम क्लियर करने के लिए उस बंदी पे मुसलसल इल्ज़ामात लगाए, ठीक है, मुसलसल उसकी वीडियोज़ बना के, उसकी पिक्चर्स एडिट करके, ठीक है, उसको आप लोगों ने जो है बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, एक तो वहाँ जाके और उसके बाद भी। तो आई एम मुझे अफसोस है, शेम ऑन यू गाइस, बहुत ज़्यादा दिल से अफसोस है तुम लोगों पे कि इस तरह का बिहेवियर इतने प्रोफेशनल होने के बाद भी। तो क्या करना है इसे प्रोफेशनलिज्म का, जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, जिसमें पता ही नहीं है कि किस इंसान को कैसे ट्रीट करना है, तो क्या फ़ायदा? Shame on you guys. Hey everyone, hope you guys are doing well. So, कुछ दिन पहले मेरी दोस्त सहर हयात गई थी काशीज के सैलून पे ब्राइडल शूट के लिए, जो कि उन्होंने बोला था कि प्रमोशनल ब्राइडल शूट है, ठीक है, आप आएँ हमारे पास और वो सब सीन है, ठीक है। तो वहाँ पर हुआ ये कि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी कि आप टिकटॉक्स बनाएं, हम लोगों को टिकटॉक पोस्ट करनी है, उनके पास कोई वो प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, उनका प्रमोशनल क्राइटेरिया ही ये है, वीडियोज है, टिकटॉक्स है। जैसे कि मैं जानती हूँ काशिश को, तो मैंने उनको टिकटॉक पे देखा है, काशिश की टिकटॉक पे वीडियोस, इवन वो लोग सेलिब्रिटीज से भी टिकटॉक्स बना रहे होते हैं जो उनके पास शूट करती हैं, क्योंकि उनका बेसिक, आई थिंक बेसिक मैं टिकटॉक की वजह से ही काशिश को जानती हूँ, ठीक है, उनका बेसिक वही है, प्रमोशन का प्लेटफॉर्म ही टिकटॉक है मेरी नज़र में।
ठीक है, तो वो लोग वीडियोस बनाते हैं और ये उनकी अपनी रिक्वायरमेंट थी कि आप वीडियोस बनाएं, आप वीडियोस बनाएं, हम आपकी वीडियोस बना देते हैं आपके फोन से, ठीक है, ये सीन था। और वो अब बोल रही हैं बार बार कि वो अपनी टिकटॉक्स बनाने में बिजी थी, टिकटॉक्स बना रही थी, तो वो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने खुद। और फिर इनके स्टाफ ने सहर से बदतमीजी की और सहर ने आकर अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया, बिकॉज सहर वहाँ पर गई थी एक कोलैबोरेशन पर्पस पे, तो उसका ये था कि वो इस पर आके रिव्यू शेयर करे। उसने अपना बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उसने अपना काम किया, उसने अपना रिव्यू शेयर किया, आगे से वो बोल रही हैं पैसे लिए हैं, देखिए मेरी बात सुने, फेम के लिए कर रही हैं, वो ये बोल रही हैं कि ना तो उसको फेम की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही पैसों की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और ना ही आप लोगों को ट्रॉल करके कोई उसको जायदादें मिल जानी है जो वो आप लोगों को ट्रॉल करेगी, कोई नहीं, मतलब इतना फ्री नहीं है कि कोई आप लोगों के लिए पैसे देगा लिटरली, ठीक है, तो आप वो चीज़ तो छोड़ ही दें जो आप अब ये कर रही हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अगले बंदे का किरदार ख़राब कर रही हैं, मतलब सही कर रही हैं आप बहुत ठीक जा रही हैं, आप मतलब बेस्ट है, मैं तो आपसे कहूँगी कि आपसे अच्छा सैलून ही किसी का नहीं है, कि आप अपने स्टाफ को बजाय इसके कि उस पर शर्मसार करने के, माफ़ी मांगने के, आप उस बंदे के करेक्टर पे बात करें। एंड ट्रस्ट मी, मैं और सहर बहुत सारे सैलून्स में पहले भी गए हैं प्रमोशन के लिए और सब चीज़ों पे, कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब किसी ने बदतमीजी नहीं किया हम लोगों से और सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। और सहर की नेचर भी ऐसी है, शी इज़ रियली फ्रेंडली और वो हर चीज़ में बहुत मतलब माहौल में घुल मिल जाती है, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगर ऐसा हुआ है, कोई इंसान अपने ऑनेस्ट रिव्यू आपको शेयर करेगा ना, किसको पड़ी है कि वो आके उससे झूठ बोले, इतना बड़ा तमाशा बना दे। और मैंने देखा वीडियोस कुछ टिकटॉकर्स की और कुछ इन्फ्लुएंसर्स की जो अब बोल रही हैं कि भाई, कुछ मॉडल्स की मैंने देखी जो अब बोल रही हैं कि भाई हमारे साथ तो सब ठीक हुआ, इनके साथ ही ऐसा हो गया, तो आपके साथ ठीक हुआ होगा ना, हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ हमने शेयर कर दिया आप लोगों के सामने, हम पागल हैं भी बोलेंगे। और वैसे भी आपको आपका अपना पर्सनल मैटर है, हमारा अपना पर्सनल मैटर है, क्यों घुस रहे हो भाई किसी की बात में, आप अपने हद तक रहो, आपका और हमारा, हम आपके आपके गुड एक्सपीरियंस में नहीं बोल रहे, तो आप भी हमारे बैड एक्सपीरियंस में अपना कॉम्प्लीमेंट मत पेश करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं काशी सैलून और सहर हयात के बीच आजकल क्या चल रहा है, कितनी बदतमीजी हुई सहर हयात के साथ काशी सैलून में। मुझे लगा था कि काशी जो सैलून के ओनर हैं काशिफ सर या उनकी सिस्टर अनम जो आके माफ़ी मांगेंगी, अप्लोजाइज की करेंगी, अपनी गलती मानेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काशिफ की जो बहन है अनम बाजी, वो आई, उन्होंने बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी कि एक लड़की के जो करेक्टर में बोला जा रहा है अब, उसके पास्ट को उछाला जा रहा है, उसकी पिक्चर लगाई जा रही है एडिट करके, मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मुझे हैरत हो रही है उन लड़कियों पे, उन औरतों पे जो काशीज को सपोर्ट कर रही हैं ये सब देखने के बाद भी, क्यों, क्योंकि उनको बिल्कुल जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फ्री में मुफ्त में काम करवाना है काशीज से। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं काशीज में शूट करवा चुकी हूँ पहले, काशीज का और मेरा ज्वेलरी का शूट था, मैं शूट ज्वेलरी का शूट था मेरा, वहाँ का स्टाफ इतना बदतमीज है, मेकअप का जो बेसिकली स्टाफ है वहाँ का, आपके ही पीछे खड़े होके आपके बुराइयाँ करेंगे, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो आपकी आपके टिकटॉक पे लाइव दिखाई जा रही है, जो आपकी इंस्टाग्राम पे लाइव हमने दिखाई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, नाम ले लेके बात करेंगे, अरे ये तो वो है ना, अरे ये तो वो है ना। उसके अलावा जब आपके ज्वेलरी चेंज वगैरह करवाएंगे, इतनी बेदर्दी से, इतनी जहालत से चेंज करवाएंगे, मेरा शूट था, इनके कपड़े वैसे ही भारी होते हैं बहुत, मेरा शूट था, मेरे हाथ पे ना चोटें लगी हुई थी जगह जगह, क्यों, क्योंकि ये लोग इतनी वो चेंज करवाने जाएंगे तो इस तरह चेंज करवाएंगे, आप कपड़े खींच खींच के आपकी ज्वेलरी इतनी बुरी तरह उतारेंगे, ये सब मेरे साथ हो चुका है और मैं ये सब और भी लोगों के साथ जानती हूँ कि जिन जिन के साथ हुआ है। इन सब के बाद मैंने इग्नोर किया, मैंने चली गई वहाँ से, इसके बाद मेरा दूसरा शूट था, दोबारा शूट के लिए बुलाया था लेकिन मैं वहाँ नहीं गई, बहाने वगैरह बना दिए थे मैंने, लेकिन इनकी बदतमीजियाँ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जब सहर हयात के साथ ये हुआ, वो लड़की सामने से कह रही है कि मेरा आपका मजाक नहीं है, तो आप कोई नहीं होते मजाक करने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनम आती है, अनम आकर माफी मांगने के बजाय बदतमीजी कर रही है, चीप, ये इस तरह की लड़की के कौन करता है इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें अनम कर रही है। अनम जो सहर ने उनके सैलून को कोई कुछ नहीं बोला, उनके काशिफ सर को कुछ नहीं बोला, अनम को कुछ नहीं बोला, स्टाफ के बारे में बोला कि उससे बदतमीजी हुई है, तो बंदा माफी तो मंगवाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बजाय इसके कि उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स एडिट कर रहे हैं, मतलब मुझे हैरत हो रही है कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे कर सकती है,
कि उसकी पिक्चर्स एडिट कर, उसकी पिक्चर्स एडिट की जा रही है, उसके पास्ट को बीच में ला, उसकी प्राइवेट लाइफ को, उसकी माँ के बारे में बोला जा रहा है कि यार ये तो इतनी खुश है, ये अभी एक जगह रो रही थी कि इसकी माँ बीमार है। तो यार क्या वो बैठ के तुम्हारे पार्लर में रोने आई है? हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग को खुश रहना पड़ता है हमारा, क्योंकि काम ऐसा है। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि लड़कियां जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं, वो ये सब देखने के बाद भी अगर काशीज का साथ दें कि पिक्चर एडिट करके उसकी लाइफ को किस तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो अपने आप को आप लोग इन्फ्लुएंसर बोलना, अपने आप को एक अच्छी लड़की बोलना आप लोग छोड़ ही दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरना फातिमा है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब लोगों को पता है कि आजकल तो काशी सैलून और सहर हयात के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करनी थी थोड़ी सी। बात दरअसल ये थी कि देखें, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या आप किसी भी जगह पे जाते हैं, वहां पे हमेशा आपसे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी आपका कोई भी ड्रॉबैक है तो वो आप उस पर काम कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके। अगर सहर हयात को कोई ड्रॉबैक लगा या उसको कुछ लगा कि स्टाफ अच्छा नहीं है या किसी भी चीज में कोई मसला था, तो प्रोफेशनल आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, पता नहीं आप लोगों ने कैसे खड़ा किया, मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई फलां काम अच्छा नहीं था या फलां चीज अच्छी नहीं थी, तो बजाय इसके कि आप उस पर काम करें, उसको बेहतर बनाएं, आप उसी बंदी पे पर्सनल अटैक करें, आप बोल रहे हैं कि हम तो उस बंदी को जानते भी नहीं है, ये फेम के लिए आई है। अगर वो फेम के लिए आई थी तो आपने उसको प्रमोशन के लिए क्यों बुलाया? वो तो फेमस नहीं थी ना, आपको तो फेमस लोग बुलाने चाहिए थे, आपने तो सबसे पहले सहर हयात को बुलाया। तो बजाय इसके कि आप लोग अपनी गलती माने, अपनी चीज सुधारें, उसी को गलत कहना तो किसी एंगल से भी प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता। दूसरी बात ये कि देखें, ना तो काशिफ सर के ऊपर खुद की बात हुई, ना ही उनकी सिस्टर पे कोई बात हुई, ना ही काशिफ सैलून के काम पे कोई बात हुई, ना ही उनकी किसी चीज की क्वालिटी पे बात हुई उनके स्टाफ के बिहेवियर पे। इसमें ना काशिफ भाई का था कि काशिफ भाई का रवैया ठीक नहीं है, या ही उनकी बहन का था, किसी का भी नहीं था ना। मसला आपके स्टाफ का था, आपका तो मसला ही नहीं था। आपको चाहिए था आप अपने स्टाफ को इंटेरोगेट करते, आपको चाहिए था आप अपने स्टाफ से पूछते, क्योंकि देखें एक कंप्लेन नहीं है, मैंने बोला, सहर ने बोला, रुमैसा ने बोला, दुआ ने, कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो कमेंट्स बोलने के हम भी गए थे कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले हम गए थे, हमारे साथ रवैया ठीक नहीं था। तो आप लोगों ने जो इतना बड़ा अपना माशाल्लाह से नाम बनाया है, आपने यहाँ पे सैलून खोला, आपने लाहौर में उसकी ब्रांच खोली, आपको चाहिए कि आप इसको आगे लेके जाएं एक अच्छे तरीके से, ठीक है? और पता नहीं कौन से लोग हैं, अच्छा सब जो अभी अचानक से रिव्यूज देने लग गए कि भाई आप लोगों को तो फ्री में काम करवाने, सर्विसेज करवानी, तो आप तो कहेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो चीज गलत होती है वो हर हाल में गलत होती है। हर किसी का हर जगह पे एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास 10 लोग आ रहे हैं और 10 में से 8 को आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, आपका स्टाफ बहुत अच्छा लग रहा है, और 2 को नहीं अच्छा लग रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उन 2 को नजरअंदाज कर दें। हो सकता है आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, कुछ को आपका काम बहुत अच्छा लगता हो, कुछ को आपका स्टाफ बहुत अच्छा लगता हो या लगता है, या वो आपके पास आते हैं, काम करवाते हैं कुछ सालों से या कुछ महीनों से, जो भी। लेकिन अगर कोई पहली दफा भी आया है, उसको आपका काम नहीं अच्छा लगा, कोई भी मसला बना है, तो उसको देखना भी आपका फर्ज बनता है। पहले तो कभी भी पूरे मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स ने, एक्टर्स ने, मॉडल्स ने एक साथ रिव्यूज देने शुरू नहीं किए, आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, तो आपको लोगों से गवाहियां दिलवाने की क्या जरूरत पड़ी? सहर ने तो किसी को नहीं बोला कि भाई तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो, तुम बोलो सहर ठीक है। जिसने भी सहर को सपोर्ट किया वो ज्यादातर इसीलिए किया क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि लोग ये ना बोले कि भाई आपको इस बात का पता नहीं है, आप बिला वजह बोल रही हैं, आपके साथ कुछ हुआ है। ऑब्वियसली हुआ है तभी मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं पता होता तो शायद मैं इतना सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ वीडियो किया वो ज्यादातर इसीलिए किया क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि लोग ये ना बोले कि भाई आपको इस बात का पता नहीं है, आप बिला वजह बोल रही हैं, आपके साथ कुछ हुआ है। ऑब्वियसली हुआ है तभी मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं पता होता तो शायद मैं इतना सपोर्ट नहीं करती। मैं सिर्फ वीडियोज उठा के रीशेयर कर देती या कुछ भी कर सकती, लेकिन बाकायदा बहुत लोगों के साथ ये सीन हुआ है। उनका स्टाफ काफी 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 हद तक बदतमीज है, उनको बात करने का सलीका नहीं है। देखें आपका कोई भी काम होता है ना, चाहे वो खाने का, चाहे वो कपड़ों का, चाहे वो सैलून्स का, कुछ भी काम है, वो आपके रवैये से आगे बढ़ता है। तो रवैया आपका अगर ठीक नहीं है ना, तो आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर तो पकड़े जाना था ना, तो वो हो गया। मैं चुप रही, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं स्टेप लिया, उन्होंने बोला भाई छोड़ो इग्नोर करो। इस तरह तो जितनी बातें करते जाएंगे उतनी ही बातें निकलती आएंगी। एंड ऑफ स्टोरी यही है कि अब तो आप लोगों ने ले ली ईगो पे बात, अब तो आपने भी सोशल मीडिया पे आके उसको झूठा कह दिया, उसने आपके बारे में बात कर दी, तो अब तो ईगो पे बात होगी, अब तो इस तरह की बात रही नहीं है कि बैठ के सेटल कर ली जाए। लेकिन अगर कोई भी आपके सैलून के बारे में कोई भी फीडबैक दे रहा है, तो आपको उसको एक नजर जरूर देखना चाहिए कि कहीं किसी हद तक ये बात सच तो नहीं है। क्योंकि आपकी अगर आपको वाकई में नहीं पता और आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा, तो ये आपके लिए नुकसान है, आज नहीं तो कल आपको उठाना पड़ेगा। बाकी जिन लोगों को अभी भी झूठ लग रहा है कि सहर झूठ बोली, सहर फेम के लिए करिए, तो भाई हाँ झूठ ही बोल रहे हैं, हमें झूठ बोलना ही आता है, हम झूठ ही बोलते हैं। आप लोग सच में अपने घरों में रहें, कमेंट्स में आके फजूल जो है अगले बंदे को डिसहार्ट ना करें, और ना ही उनकी फैमिली के बारे में, उनके करेक्टर के ऊपर कोई बात करें, बराए मेहरबानी। जैसे कि आप सबने इन सब की वीडियोस देख ली है, तो चलिए अब कह दें कि ये लोग भी झूठी हैं।
ये भी तो गई थी ना सैलॉन्स में, ये लोग भी झूठी हैं। और वो जो बाकी आवाम है जो कमेंट्स में कह रही है कि हाँ हमारे साथ भी यही हुआ है, इन मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ हैं, ये वो ब्ला ब्ला, तो सारे झूठे नहीं हो सकते और एक आप अकेले सच्चे नहीं हैं, ठीक है। और ये कॉल्स कर कर करके रिव्यूज़ दिलवाना, ये हरकतें बंद कर दें। अब जब ब्लू वॉल के पास इन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई दिखाई, वहाँ पर बैठकर मैं रो रही थी, तो ये असाम जो है ये कह रहा था सिमी को इसको हंसाओ, चलो चिल करो। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया, इनका एक लड़का था, ये बोल रहा था असाम ये बहुत ख़ास है, ये लड़का नहीं है, मतलब ये जो दूसरे टाइप के होते हैं, मतलब थोड़े से और टाइप के ख़ास होते हैं, मतलब उसके कहने का मतलब आप समझ जाएँ वो क्या था। वो इस तरह मुझे समझा रहा था कि ये लड़का ना समझो इसको, ये दूसरा है जो ख़ास लोग होते हैं, अल्लाह के ख़ास लोग होते हैं। अच्छा खैर, मैंने उसके साथ उसने मुझे पानी पिलाया और पानी पिए चुप करे, फिर असाम नीचे बैठ गया कि वो सॉरी करेगा जब मैं रोई हूँ, वो सॉरी करेगा आकर, अभी रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो, ठीक। और फिर उस लड़के ने कहा, और ये लोग कह रहे हैं कि फैन फॉलोइंग है इसकी, तो इसको किसी ने पहचाना नहीं, तो ये वो हो गई कि मुझे तो किसी ने पहचाना नहीं है। तो बाकायदा उस लड़के ने मेरे साथ वीडियो, लड़का था उसने मेरे साथ वीडियो बनाई, फ़ैन मूवमेंट लिया उसने पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने उसको, इसने जब माफ़ी नहीं मांगी तो मैंने उसको, मैं वीडियो बनाऊँगी अब, तो उसने बोला ऐसी कोई बात, ऐसी भी बात नहीं है, हमको यहाँ पे एवं नहीं बैठे हुए, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर मैं ऊपर चली गई, फिर ऊपर मैं गई, इसने सामने मुझे मैसेज किया नीचे जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, मैं नीचे उतर गई, मुझे लगा अब ये माफ़ी मंगवाएगा इसलिए इसने मुझे नीचे बुलाया। जब मैं नीचे उतर के गया था, चलो ठीक है जाओ, ये इनकी बात हुई थी, पूरी फुटेज नहीं इन्होंने दिखाई। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रो रही थी वहाँ, वीडियो थोड़ी सी दिखाती हूँ आपको, मेरी आंखों से पता लग जाएगा कि मैं वहाँ पर रो रही थी। ये वो वही वॉल है जिस वॉल की मैं बात कर रही हूँ, ब्लू वॉल के आगे की वीडियो दिखाओ, ब्लू वॉल के आगे की वीडियो दिखाओ, इसी वॉल के आगे बैठकर मैं रो रही थी। ये जो बैकग्राउंड है ब्लू कलर का, मैं रो रही थी बैठकर, इन्होंने मुझे पानी पिलाया, फिर वो नीचे बैठा, अच्छा चलो ठीक है, वो जाते हुए सॉरी करेगा या कुछ भी। आप मेरी देख सकते हैं आंखें, मेरे चेहरा देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रोई भी हूँ, बट मैं स्टिल इनका शूट करवा रही हूँ। और उसके बाद फिर ये लोग मुझे हंसाने के लिए, चिल कराने के लिए मेरी दोस्त को कह रहे हैं कि इसको हंसाओ, फिर मेरी दोस्त मुझे हंस के उछल के, जो कह रही ना उछल रही है, उछल खेत के मुझे हंसा रही है। अब इन्हीं के स्टाफ का एक लड़का है, इन्हीं का अनफॉर्चुनेटली वो इन्हीं का फोटोग्राफर है, इनके सारे ही फोटोग्राफर ऐसे हैं। उसने वीडियो लगाई, पिक्चर मेरी फैमिली को ऐड किया बीच में, और उसमें गालियाँ लिखी उसने, ठीक है। उस पर मैंने उसको मैसेज किया कि मैं साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करूँगी, वो तुम्हें कॉल करेंगे, आज ही तुमने अपनी कॉल दिखाती, तुम काशी के ही बंदे हो। उस बंदे ने सबसे पहले वो वीडियो रिमूव की है, ठीक है, वीडियो रिमूव करके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे अनब्लॉक किया, अनब्लॉक उसने मुझे इसलिए किया क्योंकि उसको फिर ये काशीज और अनम ने बढ़ावा दिया होगा, कोई मसला नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, जैसे ये उस मास्क को दे रहे हैं बढ़ावा, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका, इनका जो स्टाफ है दूसरा, उसकी पिक्चर और उसका अकाउंट जहाँ पर उसने गालियाँ दी हुई थी उसने डिलीट कर दी। ये वो घटिया लड़का है, काशी का स्टाफ है, फोटोग्राफर है, जिसने इस तरह गालियाँ लिख कर हले लगाई। फिर मैंने इसको मैसेज किया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद इसने वो वीडियो हटा दी, रिमूव कर दी। फिर उसके बाद इसने मुझे अनब्लॉक कर दिया क्योंकि फिर इसको काशीज ने, अनम ने बढ़ावा दे दिया होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम नमाज के भी साथ हैं, जो भी तुम करो हमें सपोर्ट। फिर इसने मुझे अनब्लॉक कर दिया, और आप देखें काशी के साथ इसकी पिक्चर्स भी हैं। आप बताएं मुझे काशीज, इतनी सुथरी बहुत है आप लोगों की, ठीक है, शर्म आ गई आप लोगों को? अब क्या नया लेकर आएंगे या क्या नया प्रोपोगंडा शुरू करेंगे आप लोग, क्या करेंगे आप लोग मुझे बताएं? अब मेरी कौन सी पिक्चर को आप एडिट करेंगे? साफ सीधी बात है, सब लड़कियों को मैं कहती हूँ सब हैशटैग यूज़ करें बायकॉट काशीज, ठीक है, और सब लड़कियाँ बिल्कुल मत जाएं, मोहतात रहें, इनके पास बिल्कुल जाएं, इनका सैलून बिल्कुल, अब तो काशी का भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं अच्छा। पहले मैं उस लड़के की बात कर रही थी, काशी और अनम की हरकत देख कर मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल नहीं अच्छा, ये लोग इनसे बच कर रहें। आज मैं शिकार बन रही हूँ, कल को कोई भी लड़की शिकार बन सकती है। तो अब मज़ीद इनको एक्सपोज करने का वो नहीं बनता, इन्होंने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया। खैर, खुदा आपको हिदायत दे।